गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन फ्लैश हो रहा था, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा रेलवे हो, सी टैट हो, या कोई भी टैट हो, या एसएससी हो, ऐसे कई बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज प्रयास करूँगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबका हल करके मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आप लोग कोशिश करिए कि इसको अच्छे से समझें, और जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए हुए हो या फिर किताब में क्वेश्चन दिए हुए हो, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, जो भी व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हों, अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यदि लगे कि नहीं ये कंटेंट अच्छा था तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए तो अब मैं शुरू करता हूं वीडियो। और जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट फोर, फोर रूट सिक्स, सिक्स रूट फिफ्टीन और ट्वेल्व रूट टू फोर्टी फाइव में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। ऐसे सवालों में तीन चार टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, सबसे छोटी संख्या कौन होगा, और आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आरोही अवरोही क्या होता है। तो आरोही में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही में क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। आप देख रहे हैं कि सवाल में अगर यदि ये रूट ना होकर के अगर डायरेक्ट पावर दिया होता तो आप बड़े आराम से इसका आंसर मार देते कि जिसका पावर जितना बड़ा होता, जितना उसका बड़ा मान आता, आप उसको बड़ी संख्या रूप में चुन लेते। लेकिन यहाँ पर रूट का खेल कर दिया है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। जो भी लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रोसेस बहुत उपयोगी है, आगे आपके सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। और जब मैं घातांक करने पढ़ाऊंगा स्पेशली, उस समय भी आपको इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि ये रूट टू दिया हुआ है तो इसको हम लिखते हैं एक बटा दो पर एक बटा दो, क्योंकि रूट का मतलब ही होता आधा। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर दो है, इसीलिए तो हम लोग उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर दिया है क्यूब रूट फाइव, तो इसका सीधा सा मतलब होता है पांच पर एक बटा तीन। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, और बड़े ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। जैसे कि इसको हम लिखेंगे चार पे पावर एक बटा तीन, इसको लिखेंगे छः पे पावर एक बटा चार, इसको लिखेंगे पंद्रह पे पावर एक बटा छः, और इसको लिखेंगे दो सौ पैंतालीस पे पावर एक बटा बारह। जब आप इस प्रकार से इसको चेंज कर लें तो आप ये जितने भी दिए गए हर हैं, क्या क्या हैं, तीन है, चार है, छः है और बारह है, इन सबों का पहले आपको लघुत्तम सामर्थ्य लेना पड़ेगा, अर्थात एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए आपको एक सीधा सा ट्रिक समझना है कि जो सबसे बड़ा मान है पहले उसको उठा लो। 12 दिया हुआ है, क्या 12 इन सभी से कट जाएगा? तो बिल्कुल कट जाएगा। तो 12 ही इसका, इन चारों का एलसीएम होगा। अगर नहीं कटता तो उसको डबल करके देखते, ट्रिपल करके देखते। ध्यान रखिएगा कि जब हम एलसीएम पढ़ाएंगे आपको, यहाँ तो 12 एलसीएम आ गया, जब आपको एलसीएम पढ़ाएंगे तो एलसीएम का दो तीन बहुत ही शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको बताएंगे जो आप लोग अब तक नहीं पढ़े होंगे। तो फिलहाल अभी इतना ही समझिए कि जो बड़ा वाला मान है उसको हम एलसीएम मान लेते हैं, और पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये इन सब से कट जा रहा है। मान लेते हैं कि 12 अगर 6 4 3 से नहीं कट रहा होता तो उसको मैं डबल करता 24, और तब चेक करता कि क्या सबसे कट जा रहा है। अगर 24 कटता तो उसको हम एलसीएम मान लेते, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर 12 कट जा रहा है तो 12 ही, 12 छः से भी कट रहा है, 4 से 3 से सबसे कट रहा है, तो 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब जो भी आपका एलसीएम मान आएगा आप इन सभी पावर में गुना कर दें, यहाँ भी गुना कर दीजिए, ये कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 का क्यूब मिला, सॉरी 4 पावर 4 मिल गया, यहाँ पर 6 पे पावर 3 मिल गया, यहाँ 15 का स्क्वायर मिल गया, और यहाँ 245। अब देखिए इसको अगर हम 4 पे पावर 4 को अगर हम 4 बार गुना करें कितना होगा, 4 चूके 16 गुना 4 64, और 64 गुने 4 कितना होता है, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2,
सॉरी 4 × 16 हाथ में एक, 24 और 1 25, 256। यहाँ 256 आ रहा है, यहाँ 6 का क्यूब करने पर कितना होगा, इसका 216 आएगा, और 15 का इसका कितना होता है, 225। तो आप देख रहे हैं कि सबों का जब मान निकालते हैं, यहाँ पर 216 आया, यहाँ पर 245 तो है ही, 225, और यहाँ कितना आया, 256। तो इसमें सबसे बड़ा मान आ रहा है 4 पे पावर 4। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, क्यूब रूट 4 को, इसका मतलब कि ये सबसे बड़ी संख्या है। बात समझ में आया दोस्तों आप लोगों को, आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को समझिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए तो इस सवाल को देखते हैं, सवाल में क्या करना है। सवाल आपके सामने है, क्यूब रूट 4, अंडर रूट 2, 6√3 और 4√5 में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो इसको लिखेंगे 4 पे पावर 1/3, इसको लिखेंगे 2 पर पावर आधा, इसको लिखेंगे 3 पर 1/6, इसको लिखेंगे 5 पे 1/4। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3, 2, 6 और 4, 3, 2, 6 और 4, इन सब का एलसीएम क्या होगा। तो बड़े वाले मान को लेते हैं 6 एलसीएम रूप में, तो क्या ये 6 सबसे कट जाएगा, 2 से और 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 से 6 नहीं कटेगा। अगर इसको हम दुगुना कर दें 12, तो 12 देखिए सबसे कट जाएगा, तो यही 12 आपका एलसीएम हो गया। अब आप समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, कैसे एलसीएम निकाल रहे थे। तो इस 12 को लिए गए एलसीएम को सब में गुना कर दीजिए, किस में, पावर में गुना करना है, ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ 4, ये यहाँ पर 6, ये यहाँ पर 2 और ये यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 पे पावर 4, 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3, इसका मान फिर से 256 आएगा। और यहाँ पर कितना होगा, 2 × 4, यहाँ लिखेंगे 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 2 × 32, 32 × 64, यहाँ पर 3 × 9 और 5 का क्यूब होता है 125। आप देख रहे हैं कि फिर से आपके सामने जो बड़ी संख्या आई है वो कौन सा आई है, 256, जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, क्यूब रूट 4 को। तो इस सवाल का भी आंसर क्यूब रूट 4 ही होगा। ये सारे सवाल पूछे गए सवाल हैं, तो आप ध्यान से समझिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस पर मैं एक और वीडियो बना के लाऊंगा जो थोड़ा सा और टेढ़ा होगा, लेकिन पहले आप वो सवाल दे रहे हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जैसा पिछला क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन इसमें आपसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पे पावर 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 2 पे पावर 1/3, यहाँ पर लिखेंगे 2 पे पावर 1/2 और यहाँ लिखेंगे 4 पे पावर 1/3। आप लोग भी ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यही आपका सभी पावर का हर है। अब यदि हम इन सबों में से एलसीएम चुनना चाहें तो बड़ा वाला को मान लेंगे 3, 3 तो सबसे कटेगा नहीं, 3 तो 3 से कटेगा लेकिन 2 से कटेगा नहीं, तो इसको दुगुना कर दो। अब देखो 6 दिए गए सभी मान से कट रहा है, यानी कि 6 इसका एलसीएम है, तो इसके पावर पे 6 को गुना कर दो। तो यहां से पाएंगे कि ये 2 बार में कटेगा, यहां से कटेगा 3 बार में, यहां से कटेगा 2 बार में और यहां से कटेगा 3 बार में। यहां से आया मान आपका 3 का क्यूब, यहां पर 2 का स्क्वायर और यहां पर 2 का फिर से क्यूब और यहां पर 4 का स्क्वायर। तो यहां मान आएगा आपका 27, यहां मान आएगा 4, यहां मान आएगा आपका 8 और यहां मान आएगा 16। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, 4, यही आपका डिमांड था। तो 4 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कहां से मिला था, इस वैल्यू से मिला था, ये वैल्यू यहां से आया था, ये सबसे छोटी है। अगर आपको आरोही क्रम में सजाने के लिए कह देगा टैट में, खास करके ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है आरोही अवरोही में करने के लिए, तो सबसे पहले ये होगा, उसके बाद बड़ा कौन आया था, 8। 8 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, √2 को, तो यहां आ जाएगा √2। इसके बाद कौन था, 16 रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूब रूट 4 को, उसके बाद कौन आया था, √3, तो इसका मान यहां पर हो जाएगा बाद में। ये हो जाएगा आपका आरोही में। अगर अवरोही पूछेगा तो पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये कुछ अलग तरह का सवाल आपके सामने है, जिसमें कि रूट का भी प्रयोग किया गया है, पॉइंट भी दिया गया है, और कहीं पर रूट कुछ भी नहीं दिया है, कहीं पावर भी दिया गया है। तो ऐसे सवाल को इजीली ढंग से करने के लिए आप ये करें
कि 0.5 को क्या हम 5/10 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, क्योंकि यहां से पॉइंट हमने उड़ा दिया, यहां पे नीचे 10 आ गया। इसको देखिए बहुत आसान तरीके से करना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो 49, यहां पर नीचे 100 रह जाएगा। अगर हम इसकी मान हटाएं तो यहां से 3 अंक के बाद है तो ये 8 ऊपर आ जाएगा, यह पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 0.23। अब यहां हो जाएगा आपका 5 का 25 और 10 का हो जाएगा आपका स्क्वायर कितना, 100। तो ये यहाँ जो मान आपका निकल के आएगा, ये मान निकल के आएगा आपका 0.25। कैसे आया बात समझिएगा जरा सा, कि जितना जीरो है उतने अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, या पहले जानते होंगे 49 का यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 100 का 10, क्योंकि ये रूट में है तो रूट के अंदर के मान को हम लोग ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि ये किसका वर्ग है। तो ये 7 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है, तो यहां से मान आएगा आपका 0.7। अब यहां देखिए ये 8 किसका क्यूब है, यहां पर अगर 3 है तो इसको क्यूब ढूंढना पड़ेगा, तो ये क्यूब है 2 का और ये क्यूब है 10 का, तो 0. यहां पर 2 माना जाएगा और यहां पर है 0.23। तो सबको अगर हम दो अंकों में करना चाहें तो अपने बाद जीरो बिठा सकते हैं जो एक अंक का है, तो आपको देख के भी लग रहा होगा कि सबसे बड़ा मान जो है वो 0.70 है और यहाँ पर सबसे छोटी मान आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटी मान 0.20 जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला को, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्यूब 0.008, क्यूब रूट 0.008। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये सबसे छोटा मान है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बिना कोई इक्विपमेंट का, मेरे पास कुछ भी इक्विपमेंट अभी नहीं है, फिर भी मैं आपको हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इसको अधिक से अधिक फैलाएं और लोगों को हेल्प करने का प्रयास करें। धन्यवाद।